हेलो दोस्तों, आज हम माइक्रो टीचिंग के अंदर, इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल और उदाहरण कौशल के वीडियो देखे, उसके अंदर दो दो लेसन प्लान देखे सभी के। आज हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल सीखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेसन है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसके अंदर ये मुख्य घटक हैं, अपने शरीर का संचालन अच्छा होना चाहिए, स्वर परिवर्तन, छात्र शिक्षा की अंतःक्रिया परिवर्तन, सर्व दृश्य क्रम में परिवर्तन, भाव मुद्रा कैसी होनी चाहिए, भाव केंद्रीकरण कितना अच्छा होना चाहिए, विराम और मौन, छात्रों का सहभागिता, छात्रों की सहभागिता कितनी ली हमने, ये सभी टॉपिकों के अनुसार हमें क्लास के अंदर प्रेजेंट करना होता है। आज हमने 8th क्लास का टॉपिक लिया है। 8th क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं संज्ञा। यहाँ पर अपने पर्यवेक्षक का नाम लिखना है, यहाँ पर दिनांक जो हमने प्रेजेंट के, जिस दिन हम प्रेजेंट करते हैं, समय अवधि 7 मिनट। इसके अंदर भी हमारा छात्राध्यापक कथन होगा। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर ऊपर लिखेंगे हम छात्राध्यापक कथन, उसके बाद में जो भी संज्ञा है हम भी हमारे उस संज्ञा का विवरण देंगे कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ समय ज्ञान कराने वाला, समझोड़ ज्ञा, किसी भी स्थिति स्थान वर्ग भाव आदि का परिचय कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यह हमारी परिभाषा होगी। उसके बाद में हम संज्ञा को आगे परिभाषित करेंगे कि संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ये हमें पूरा डायरी में बनाना है, लेकिन चैम्पर्ट के ऊपर हम केवल ये मुख्य मुख्य बातें लिखेंगे, जैसी परिभाषा लिख दी, ये इनके प्रकार लिख दिए 3, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक होती है, भाववाचक होती है। उसके बाद में हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ाएंगे बच्चों को। जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा देकर उसके बाद में हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं, कुछ हमें देने हैं और कुछ बच्चों से पूछने हैं। पूछ कर इनको श्यामपट पर लिखना होता है। साथ साथ गौतम बुद्ध, हिमालय, ताजमहल, सीता, गंगा, जयपुर, ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उसके बाद में हमारा जातिवाचक संज्ञा आएगा। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। एग्जाम्पल, लड़का, पर्वत, पुस्तक, घर, कुत्ता। उसके बाद में हमारी आएगी भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से धर्म, दोष, गुण, भाव, विचार आदि का बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। उदाहरण, कोमलता, बचपन, लंबाई, मित्रता। ये हमारा छात्र अध्यापक कथन पूरा होगा। और यहाँ पर छात्र क्रियाओं के अंदर हमें लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। इसके अंदर हमें कुल 8 जो व्यवहारिक घटक है उनको ध्यान में रखकर प्रेजेंट करना होता है कि शरीर का संचालन अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा क्लास में घूमना नहीं है, एक जगह खड़े होकर आराम से रिलैक्स होकर प्रेजेंट करना है, भाव मुद्रा कैसी होनी चाहिए, स्वर परिवर्तन यानी स्वर ऊपर नीचे करना है कि कभी धीरे कभी थोड़ा जोर लगा कर बोलना होता है, भाव का केंद्रीकरण यानी मुद्रा कैसी है आपकी, छात्र शिक्षा अंतःक्रिया परिवर्तन, छात्रों की अंतःक्रिया में कितना परिवर्तन हुआ, विराम और मौन यानी बार बार कितना रुके आप, बोलते बोलते कितना स्पीड में बोला, सर्वदृश्य क्रम परिवर्तन यानी आप आई कॉन्टैक्ट कितना बनाया, छात्रों की सहभागिता यानी बीच बीच में आपने छात्रों से सहयोग लिया या नहीं लिया। ये सभी 8 घटक हमें ध्यान में रखकर ही प्रेजेंट करना होता है। उसके बाद में हमारा दूसरा उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंदर दूसरा लेसन है, हमने 10th क्लास हिंदी का पार्ट लिया है, कबीर की साखी। यहाँ पर पर्यवेक्षक का नाम आएगा, दिनांक जिस दिन आप प्रेजेंट करते हो, समय 5 से 7 मिनट। इसके अंदर हमने छात्राध्यापक कथन के अंदर हमें कबीर की जो साखी हमने ली है चैप्टर, इसके अंदर आप कोई किसी भी क्लास यानी बीएड के अंदर आप एट से लेकर 12th तक कोई भी टॉपिक ले सकते हो। इसके अंदर हमने कबीर का जन्म, छात्राध्यापक कथन के अंदर सबसे पहले कबीर का जन्म काशी में माना जाता है, गुरु रामदास रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। उसके बाद में हमने साखी ली यानी कबीरदास जी की जो चैप्टर के अंदर साखी है वो पहली साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। इसके बाद में साखी का जो
अर्थ है, भावार्थ है, वो हमें बच्चों को समझाना है। वो इसके अंदर लिखना नहीं, वैसे ही बोलकर समझाना है। उसके बाद में सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। ये हमारी दूसरी शाखी है। इनका अर्थ और भावार्थ हमें बच्चों को बोलकर समझाना है। यहाँ पर लिखेंगे छात्र अध्यापक ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। इसके अंदर हमें आठ टॉपिक वही शरीर संचालन, भाव, मुद्रा, स्वर परिवर्तन, भाव केंद्र, छात्र अंतर क्रिया परिवर्तन, विराम, मौन, यही आठ पॉइंट हमें ध्यान में रखकर प्रेजेंट करने हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें।